मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम एक बार फिर सत्ता के केंद्र में आ चुके हैं। भले ही राम पथ को बनाने का प्रस्ताव बीजेपी का हो, लेकिन इसे पूरा करने का वादा कांग्रेस करती नजर आ रही है। विचार श्री राम के वन पथ गमन पर हो रहा है, जिसके रास्ते में मौजूद विधानसभा की 35 सीटों का गणित निर्धारित होता है और सत्ता का सुख चाहिए तो 35 विधानसभाओं का आंकड़ा भी कम नहीं होता। लिहाजा हनुमान भक्त कमलनाथ को अब राम याद आने लगे हैं। अब राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम पद गमन बनवाएगी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह की भी यही मंशा। बीजेपी ने बताया सियासी पाखंड। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा साईं जी करेंगे बेड़ा पार। अयोध्या के राम अगर बीजेपी के हैं तो मध्य प्रदेश में राम को हनुमान भक्त कमलनाथ अपना बनाएंगे। राम जिन रास्तों से गुजरे उन रास्तों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ जाएंगे और 2018 के सियासी समर से पहले 35 सीटों पर राम का गुणगान करेंगे। मंदिर की दौड़, हर पंचायत में गौशाला के ऐलान के बाद सत्ता का बनवास खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अब राम की राह पर चलने के लिए उतावली है। 15 साल से सत्ता का बनवास झेल रही कांग्रेस ने राम वन गमन पथ यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है। खबर है कि ये यात्रा चित्रकूट से 21 सितंबर से शुरू होकर 35 से ज्यादा विधानसभा सीटों से गुजरेगी। कुल हम राम पथ गमन बनाएंगे। बीजेपी ने तो बहुत कुछ नहीं किया, इसलिए आगे आने वाले समय में जो हमारा नक्शा होगा हम बहुत कुछ बनवाएंगे, बहुत कुछ कराएंगे, बहुत कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का ठेका नहीं दिया, पर वो जो राजनीति करते हैं धर्म के आधार पर, राजनीति को धर्म को राजनीतिक मंच पर लाते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हम सब धर्म प्रेमी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे ज्यादा धर्म प्रेमी नहीं है और हमें उनसे प्रमाण पत्र धर्म का नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल मैंने मांग की है कि नर्मदा परिक्रमा करने के बाद हमने इस बात को महसूस किया कि नर्मदा का पर्व जो परिक्रमा करते हैं उनका पथ का सर्वे होना चाहिए और वहां लोगों को पथ का निर्माण होना चाहिए। इसलिए राम पथ जो है जो कि चित्रकूट से इन्होंने वादा किया था नहीं बना पाए, तो वो हम लोग मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा तक बनाए ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। कांग्रेस अब जिस राम पद गमन की बात कर रही है, दरअसल ये बात मध्य प्रदेश में 10 साल पुरानी हो चली है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम मौजूदा मध्य प्रदेश के जिन रास्तों से गुजरे थे वहाँ राम पद गमन विकसित करने की योजना 10 साल बाद भी जमीन पर नहीं उतर पाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2007 में इसका ऐलान किया था, लेकिन न अयोध्या में राम मंदिर बन पाया और न ही मध्य प्रदेश में राम के बन जाने का रास्ता। पौराणिक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम मध्य प्रदेश से भी गुजरे थे। श्री राम ने चित्रकूट से प्रवेश किया था और अमरकंटक से रामेश्वरम रवाना हुए थे। वनवास के दौरान भगवान राम मौजूदा मध्य प्रदेश के करीब 6 जिलों से गुजरे थे। सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, शहडोल और अनूपपुर जिलों से वे निकले थे। 2004 में राम पथ का सुझाव आया और 2007 में चित्रकूट में इसकी घोषणा हुई। 2008 में विद्वानों की समिति बनाई गई और 2009 से 2010 में समिति ने सर्वेक्षण किया। भले ही राम पथ की कल्पना बीजेपी के शासनकाल में की गई थी,
लेकिन इसे साकार करने का बीड़ा अब कांग्रेस ने उठाया है। मंशा कमलनाथ की भी है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी, और वो भी क्यों ना। आखिरकार राम जी के वन गमन में तब दंडकारण्य हुआ करता था, लेकिन आज ये रास्ता सूबे की 35 विधानसभाओं को कवर करता है। हालांकि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस का पाखंड करार दिया है और अयोध्या में राम मंदिर पर पहले नजरिया पेश करने की मांग की है। लेकिन अब मंदिर और राम पद से शुरू हुई चुनावी सीजन की इस सियासत ने मध्य प्रदेश में चुनाव को राम राज से जरूर सराबोर कर दिया है। जानकार भी मानते हैं कि राम का फायदा सियासी पार्टियों के लिए असरदायक होगा। देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी जानती है कि भारत की जनता उनको पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। देश के सांस्कृतिक मूल्यों के अपमान के कारण कांग्रेस का पूरी तरह पतन हो चुका है, और इसीलिए जनता को भ्रमित करने के लिए कमलनाथ जी या दूसरे नेता इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतीकों के संबंध में बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ जी राम वनगमन गमन पथ की बात करें वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि वंदे मातरम गाने में उनको क्या आपत्ति है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहले एक बार पूरा वंदे मातरम का गायन कर लें, उसके बाद देश के सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों की बात करें। मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम जी ने वनवास काटा था, वे जिस पद पे होके गुजरे थे उस पद पर राम पद बनाने का वादा 1 अक्टूबर 2007 को शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। जिस तरह वो घोषणा करते हैं, जिस तरह वादे करते हैं, वो ये वादा भी भूल गए। भगवान श्री राम के पद पर, उनके पद पर चलकर प्रदेश को किस तरह से राममय बनाना है, किस तरह यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्मित करना है, कैसे प्रगति के पद पर वापस ले जाना है, उसका प्रयास कांग्रेस करेगी। और उस प्रयास में कांग्रेस जनता के साथ मिलकर आने वाले चुनाव में जनता के माध्यम से जनता की सरकार बनाएगी और राम पथ का निर्माण भी करेगी, और राम पथ पर चलकर प्रदेश के सौहार्दपूर्ण वातावरण का भी निर्माण कांग्रेस करेगी। राजनीतिक दलों में एक दूसरे के प्रतीकों को, एक दूसरे की मुद्दों को छीनने की होड़ लगी हुई है। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि राम पदगमन या भगवान राम से जुड़े मुद्दों पर उनका कॉपीराइट हो। कांग्रेस ने लगातार उनको छीनना प्रारंभ किया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने राम भक्त हनुमान का विशाल मंदिर बनवाया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस अब राम पथ गमन पर यात्रा करने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश के 5-6 जिलों की लगभग 30 से 35 सीटों के आसपास तक ये प्रभावित होती हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि 2007 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम पथ गमन के निर्माण की बात कही थी। इसके 2008 में अवधेश प्रताप पांडे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ गया और 2011 तक उनकी 3 रिपोर्ट आ गई, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस जानती है कि इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग धर्मालु हैं और धार्मिक मुद्दों पर कम से कम एक बार सोचते जरूर हैं। जब कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर आ रही है जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी उपस्थित है, तो दृश्य साफ होता है कि कांग्रेस मुद्दों को लेकर भाजपा को कंफ्यूज करना चाहती है। ठीक उसी तरह जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रतीकों यानी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंबेडकर यानी बसपा और कांग्रेस दोनों की थाती रही हैं, उनको छीनने की कोशिश की है, ठीक उसी अंदाज में कांग्रेस अब इनके कोर इश्यूज को है उनको छीनने की कोशिश कर रही है। तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा साईं जी करेंगे बेड़ा पार। त्रेता युग में भगवान श्री राम सत्ता को छोड़कर वन की तरफ गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए वन जाने की तैयारी कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम जहां जहां गए वहां वहां जाने की तैयारी कर रही है। राम पथ गमन जो है वहां जाने की तैयारी है,
और ये पूरा चुनावी शिगुफा है, क्योंकि 34 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कवर होती हैं उस रूट पर जहां से भगवान श्री राम गुजरे थे जब वो श्रीलंका जा रहे थे, उस वक्त की बात है। लेकिन जब सत्ता की कोशिश कांग्रेस कर रही है और अपनी छवि को सुधारने की या कहें नए तरह से गढ़ने की कोशिश कर रही है, ये जताने की तैयारी है कमलनाथ की या कांग्रेस पार्टी की या राहुल गांधी की कि वो अब हिंदूवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद एक तरह से पुरजोर तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है, जिसको लेकर बीजेपी एक तरह से चुटकी भी ले रही है, क्योंकि हिंदुत्व का झंडा बरदार बीजेपी खुद को मानती है। बड़ी बात यह है कि जनता के नजरिए में कौन सी पार्टी ज्यादा खरी उतरेगी, क्या हिंदुत्व का एजेंडा मध्य प्रदेश में चलेगा या विकास का एजेंडा मध्य प्रदेश में जनता के दिमाग में होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, राम के नाम पर सियासत जोर पर है, कांग्रेस नए तरीके से एक तरह से बीजेपी को उसी के वोट बैंक में या कहें उसी के त्रुप के इक्कों पर घेरने की कोशिश कर रही है और तड़प बीजेपी में साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ में अखिलेश, चैनल 1 भोपाल। और अब बात छत्तीसगढ़ की।